आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवरिया जिले के सलेमपुर विकास खंड ग्राम सभा डूमवालिया में एक दिवसीय पशु स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सलेमपुर के ब्लॉक प्रमुख ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद ग्रामीणों को चिकित्सकों द्वारा पशुओं में हो रही बीमारियों से बचाव के उपाय बताए गए, साथ ही कैल्शियम और मिनरल पाउडर ग्रामीणों को वितरण कर दुधारू पशुओं को मिनरल पाउडर खिलाने की सलाह दी। पशु चिकित्सा डॉक्टर अधिकारी डॉक्टर रमेश चंद्र मिश्रा सलेमपुर ने ग्रामीणों को जानकारी देते हुए बताया कि जब हमारे पशु बीमार पड़ते हैं तो हम घरेलू उपचार में पड़ जाते हैं और अपने पशुओं को खो देते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग कृषि के साथ पशुपालन करें, भारत सरकार के सपने को साकार करने में अपना योगदान दें। आपस में हमारे लगा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गरीब गुरबा की सरकार है, गरीब का बेटा आया है, बिल्कुल आओ सीधा काटो मेरे साथ, चलो पकड़ो उधर देखो सीधा काट। आज काल से पर्सन भारत का किसी प्रधान देश था, अब तो स्वदेशी नस्ल के बहुत ही अरे अब तो ऐसा बचिए हुई बाछिए हुई हम लोगों ने बताया ये प्रधान कहाँ बड़ा हो भेज दिया हमारी चलिए भी सोचना चाहिए क्या है। तो अक्सर बाबा बोलते थे कि गौ में भारत की आत्मा बसती है, गौ सेवा करो। और पुराणों में रामायण में धर्म में गौ के अंग अंग पे देवता बसता, तो धर्म को संस्कृतियों से इसलिए जोड़ दिया गया। वैज्ञानिक तरीके से सोचिए कि जब गौ रहेगी तो अच्छा दूध मिलेगा, दूध मिलेगा तो बच्चे भारत का भविष्य स्वस्थ होगा, आप स्वस्थ होंगे, मेडिकल दुकानों से दवाएं खरीदते हैं उससे बढ़िया दूध को अपने ही सेवा करेंगे, तो कई चीज थी। तो उसको क्या किया, आप हमारे धर्म गुरु थे, आप लोगों ने क्या कहा, माँ गौ है उसकी सेवा करो। इस तरह से योजना तो आधुनिक युग समझिए, मूल चीज को समझिए, स्रोत को जोड़ने की जरूरत है, पस्तन को ले जाने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। अवधान जी को भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपके गांव में कार्यक्रम लगा है, और स्वास्थ्य अधिकारियों को भी, ऊर्जावान स्वास्थ्य अधिकारियों को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मेरे देवतुल्य लोगों, देवों का गांव है यह, ऐसा गांव मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन डोमोलिया लोग कहते हैं, जहां देवता बसता है लोकतंत्र का। आपके परिवर्तन से बड़े परिवर्तन होते हैं और नेता चुना जाता हूं उसी का एक छोटा संस ब्लॉक प्रमुख अमरेश सिंह बबलू आपके बीच में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक दिवसीय विकास खंड स्तरीय पशु आरोग्य शिविर यहाँ का लगाया गया है, इस योजनाओं का लाभ लीजिए। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नंद भाई मोदी ने एक ऐसी व्यवस्था की, सरकारें पूर्ववर्ती थी आज भी सरकारें हैं, अंतर है, योजनाएं आपको दिखती है और जवान अधिकारी आपके दरवाजे पे चल के आता है। कृषि प्रधान देश है।